दूसरा दिन किसानों के आंदोलन का, और आज इस आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी, क्योंकि आज हाईवे जाम, चक्का जाम, टोल नाकों को फ्री किया जाएगा। किसानों ने सीधे सीधे कह दिया है कि सरकार के तमाम प्रस्ताव नामंजूर हैं। किसानों ने अपनी कुल मिलाकर 15 मांगे रखी थी, 12 पर विचार करने के लिए सरकार तैयार हो गई। कल एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बातचीत के लिए वो तैयार है, बशर्ते किसान भी 2 कदम आगे बढ़ाएं। किसानों ने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वो यहां से हटने वाले नहीं। सीधा चलेंगे सिंघू बॉर्डर, इस वक्त हमारे सहयोगी सुशांत मौजूद है। सुशांत, क्या रणनीति आज की किसानों की? मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और आज जियो किसम का विरोध किया गया, किसानों के आंदोलन का। और सुबह से ही मौसम में एक बदलाव देखने को मिला है, बारिश हो रही है, लेकिन किसानों के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं है। बड़ी तादाद में किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा थे, उसके साथ साथ महिलाएं भी अब यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हुई हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम जो विरोध है वो होना शुरू हो गया है। सुबह से ही जो तमाम जो बड़ी कंपनीज के मोबाइल फोन्स हैं उनका यहाँ पर विरोध जो है वो किया गया, उनको तोड़ा गया है किसानों की तरफ से। किसान लीडर हमारे साथ हैं। चक्का जाम और तमाम हाईवेज और टोल नाकों को फ्री करने के लिए आज जो है वो ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। देखिए, टोल फ्री तो रात के 12 बजे के हो गए, चक्के जाम की तैयारी है, बड़े काफले पूरे देश में से आ रहे हैं, और इनके पंपों पर से तेल डलवाना लोगों ने बंद कर दिया, मॉलों में जाना बंद कर दिया। ये कितनी बड़ी संख्या में होता है आने वाले दिन बताएंगे। मोदी जी, अडानी, अबानी, अमित शाह को अलग कर देंगे देश से। एक तरफ हम सभी 135 करोड़ भारतीय होंगे, एक तरफ ये कारपोरेट जगत के दलाल और उनके साथी होंगे जो देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि पूरी तरह अमन शांति बनाए रखें, शांतमय तरीके से इन आंदोलनों को सिरे लगाना है। जीतोगे आप, हरेगा मोदी। आप यहाँ जियोगे वो मरेंगे जो आपसे ये धक्का कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत जो है फिर से की जाए, जो मांगे हैं 15 मांगे उनमें से और बात जो मांगे हैं 12 मांगों पर बातचीत जो है वो की जा सकती है। बातचीत तो सरकार करती है, उसमें करती क्या है, किसानों को समझाने की बात करती है। हमने तो, हमारा संगठन है जो पहले ही हमें इसको बोला है कि इस आंदोलन को बांटा मत जाए। कोई केला पंजाब का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश के जितने संगठन है सभी को बुलाया जाए, प्रधानमंत्री जी खुद उस मीटिंग की प्रधानगी करें और बिलों के ऊपर रद्द करने का फैसला लें, क्योंकि आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, पूरी दुनिया में इसकी आवाज पहुंच गई, यूएनओ तक आवाज पहुंच गई है। तो सरकार कर की रहा है, उल्टा जो किसान इधर बैठे हैं बोलते हैं जबरदस्ती दिल्ली में घुसे हैं, जो सिंघू बॉर्डर में बैठे हैं इनके ऊपर जो है कोरोना का जो 188 का पर्चा वो भी पर्चा किया है। तो सरकार तो इस तरफ को तुरी है कि इनको किसी न किसी से इनको खालिस्तानी बोलकर, इनको नक्सली बोलकर, इनको चाइना और पाकिस्तान के जोर के साथ इनका आंदोलन कमजोर किया जाए, आंदोलन को फेल किया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि किसानों ने कहा है कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी, वो हटने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।